आप सभी का खुशामदीद एक बार फिर से जेके न्यूज पॉइंट के लाइव ब्रॉडकास्ट में। मैं हूं आपका दोस्त आकिब डार। नाज़रीन, वादी कश्मीर में पिछले कई दिनों से लगातार गर्मियां जो है वो देखने को मिली है। लोग काफी ज्यादा परेशान इस गर्मी में देखने को मिल रहे हैं। अब आगे आने वाले कुछ दिनों में जो है एक राहत की सांस वादी कश्मीर के लोग ले सकते हैं, यानी कि महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आगे आने वाले दिनों में बारिशें वादी कश्मीर में हो सकती है। वादी कश्मीर में ही नहीं बल्कि जम्मू अजला में भी बारिशें हो सकती है, लेकिन ये बारिशें जो है कई इलाकों में तेज भी हो सकती है, जिसके चलते फ्लड्स जो है वो आ सकते हैं और कहीं जो बालाई इलाके हैं, जो दूर दराज इलाके हैं, वहां पे बादल फटने के भी चांसेस हो सकते हैं। मेरे साथ तो मौजूद है अभी महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तियार साहब। मुख्तियार साहब से जानने की कोशिश करेंगे, हालांकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर ने कल एक एडवाइजरी सामने लाई है और जो लोग श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स, पांथा चौक या बाकी जितने भी इलाके हैं जो बिल्कुल पहाड़ों के दामन में रहते हैं, उनको कहा गया है कि आप एहतियातन जो है इन दिनों में रहें, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं लैंडस्लाइडिंग, और लैंडस्लाइडिंग के साथ साथ जब पानी जमा हो जाता है तो उसमें फिसलन या बाकी चीजें, इसमें ध्यान रखना पड़ता है। तो मेरे साथ मौजूद है महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तियार साहब। मुख्तियार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। गर्मियों ने सताया है, अब राहत की सांस लोग लेंगे, लेकिन ये राहत कुछ लोग पैनिक भी हो चुकी है, तेज बारिश होगी, क्या कुछ है जरा बता दीजिएगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, अभी मानसून थोड़ा एक्टिव है, खासकर 29-30 के आसपास यहाँ पे बारिशें हुई, 1 अगस्त के आसपास भी बारिशें हुई, तो कोई कंटिन्यूस स्पेल ऑलरेडी हमने कहा है कि कंटिन्यू बारिश के चांसेस बहुत कम है, और हैवी स्पेल्स भी खासकर कश्मीर रीजन के अंदर होने के बहुत ही कम चांसेस हैं, लेकिन जो बारिशें होंगी वो ब्रीफ पीरियड के लिए होंगी, इंटेंस होंगी 2-3 घंटों के लिए, और कुछ एक जगहों पर दरमियाना दर्जे की बारिशें, कुछ एक जगहों पर हल्की बारिशें रह सकती हैं। बाकी जम्मू रीजन के अंदर मॉडरेट टू हैवी बारिशों के चांसेस हैं अगले 2-3 दिन तक, और जो लास्ट स्पेल हुआ जिसमें कुछ एक जगहों पर क्लाउड बर्स्ट या फ्लैश फ्लड के इंसिडेंट्स भी हुए, तो कमिंग डेज में भी खासकर नेक्स्ट 2-3 दिन जो है क्लाउड बर्स्ट या फ्लैश फ्लड के इंसिडेंट्स हो सकते हैं, लैंडस्लाइड, शूटिंग स्टोन्स, मडस्लाइड्स के भी इम्कान लग रहे हैं, और बाकी जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं खासकर हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड, इन जगहों पे क्लाउड बर्स्ट काफ़ी ज़्यादा हुए हैं और लैंडस्लाइड्स के वाकयात भी काफ़ी ज़्यादा हुए हैं, तो इसलिए खासकर यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर भी बारिशों का असर रह सकता है, तो इस वजह से लोगों को थोड़ा सा एहतियात करना पड़ेगा जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और जो पहाड़ों के दामन में रहते हैं, तो इन जगहों पे लैंडस्लाइड या शूटिंग स्टोन्स के चांसेस बिल्कुल बनते हैं। सर, ये मुझे बता दीजिएगा कि अभी नदी नालों की बात करेंगे, बिलखुसूस दरिया जहलीम की बात करेंगे, पानी की सतह जो है वो काफी ज्यादा कम है, और आगे जो आगे आने वाले दिनों में जो तेज बारिश होगी कहीं एक इलाकों में, जिसका असर जो है दरिया जहलीम पे सीधे देखने को मिलता है, क्या कुछ असरात होंगे बाकी फार्मर्स के लिए? क्या पानी की जो लेवल है वो ज्यादा बढ़ जाएगी ताकि लोगों को जो है कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी? नहीं, ऐसा देखो कुछ नहीं है, फिलहाल जो नदी नालों के अंदर पानी है बहुत ही कम है, तो जो कमिंग जो स्पेल्स होंगे बारिशों का तो इसका भी इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा, खासकर जो झेलम का वाटर लेवल है। बाकी कुछ एक जगहों पे तेज़ बारिशों के कारण वाटर लॉगिंग कंडीशंस बन सकते हैं, और जो फ्लैश फ्लड्स हैं, फ्लैश फ्लड्स खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर जो है उसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं, क्लाउड बस्ट के चांसेस भी बनते हैं। जम्मू डिवीजन के अंदर मॉडरेट टू हैवी बारिशों के चांसेस हैं अगले 2-3 दिनों में, और 7th ऑनवर्ड्स यहाँ पे प्रेसिपिटेशन जो है, प्रेसिपिटेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है और इंटेंसिटी है वो बिल्कुल कम होगा, ब्रीफ शावर्स हो सकते हैं कुछ एक जगहों पे शॉर्ट पीरियड के लिए। बाकी जम्मू डिवीजन के अंदर टिल 11th ऑफ अगस्त मॉनसून शावर्स खासकर लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग के आसपास रहने के चांसेस हैं, बाकी यहाँ 7th ऑनवर्ड्स गर्मी फिर से बढ़ने के चांसेस हैं और बारिशों के भी बहुत ही कम चांस हैं, ओनली ब्रीफ शावर्स फॉर शॉर्ट पीरियड, और गर्मियां जो है एक बार फिर जो है फिर से बढ़ सकते हैं यहाँ वैली के अंदर। बिल्कुल सर, आपने सही फरमाया कि कुछ दिनों के बाद फिर से गर्मी बढ़ेगी, लोग जो 3 दिन जो बारिश होगी, क्या लोगों को गर्मी से निजात मिले, राहत मिल सकती है? देखो, ये जो मानसून की बारिशें हैं ऐसा कंटिन्यू नहीं होता है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के पैटर्न में हम देखते हैं कि दिन भर कंटिन्यू बारिश होते हैं, इस टाइप का बारिश मानसून पीरियड में नहीं होता है, लेकिन जो बारिशें होंगी 2-3 घंटे के लिए उससे थोड़ा सा राहत मिलता है, लेकिन अभी पिछले दिनों बारिशों के कारण आज भी जो है ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है, टेम्परेचर भी लगभग 33-34 टच कर सकता है, लेकिन कुछ एक जगहों पे बारिशें हो रही हैं उन जगहों पे जो है थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है, तो जो भी रिलीफ है अभी ये जो है टेम्परेरी है, और उसके बाद जो है फिर से लोगों को
गर्मी फिर से देखना। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कल एडवाइजरी सामने लाई, उसके बाद जैसे ही लोगों तक ये एडवाइजरी पहुंची लोग कहीं ना कहीं पैनिक हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ से आप ये कह रहे हैं कि शॉर्ट पीरियड के लिए जो बारिश है वो रह सकती है, तो क्या लोगों को जो पैनिक हुए हैं क्या उनको पैनिक होने की जरूरत नहीं है? देखो, पहाड़ी इलाकों के अंदर क्लाउड बर्स्ट या फ्लैश फ्लड इंसिडेंट्स आइसोलेटेड प्लेसेस पे होता है, तो लोगों को खासकर जो एडमिनिस्ट्रेशन ने एडवाइजरी निकाला है पैनिक होने का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एहतियात करने की जरूरत है, क्योंकि जो पिछला इंसिडेंट था यहाँ क्यू पुलवामा के अंदर हुआ, इसी तरह नॉर्थ कश्मीर के खासकर केरला और इसी तरह किश्तवाड़ के अंदर भी फ्लैश फ्लड्स हुए, और अभी जो मानसून मौसमी हालात ऐसे हैं खासकर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड इन सारे जगहों पे क्लाउड बस्ट की वजह से काफी ज्यादा जानी व माली नुकसान हुआ है, और कुछ एक जगहों पे लैंडस्लाइड्स और केरला के अंदर एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है खासकर लैंडस्लाइड्स का। तो लोगों को जब भी इस टाइप का इंक्लीमेंट वेदर रहता है तो थोड़ा सा अलर्ट और कॉशियस रहना पड़ता है। मुख्तार साहब, खुदा के बाद सबकी निगाहें आप पे है, क्या आप कब प्रेडिक्ट करेंगे जो तेज बारिश है, लोग पैनिक हो चुके हैं? बता दीजिएगा, अभी अमरनाथ यात्रा जारी हुआ सारी है, क्या उस पर असर पड़ सकता है? और जो फार्मर्स है जो अभी बाग बगीचों में काम कर रहे हैं, जो काफी ज्यादा दवाइयां जो है अपने इस्तेमाल करते हैं, क्या कुछ एडवाइजरी उनके लिए जरा बता दीजिएगा? अभी देखो, फार्मर्स काफी ज्यादा डिस्ट्रेस में है, क्योंकि काफी दिनों से बारिशें नहीं हुई हैं, और अभी जो बारिशें हुई उससे उतना ज्यादा उनको खास फायदा नहीं हुआ, कुछ एक जगहों पे थोड़ा सा राहत मिला किसानों को। तो कमिंग डेज में 2-3 दिन फिलहाल किसी भी किस्म का इरिगेशन का काम और सिंचाई का काम हो वो ना करें, बाकी जो रूटीन में फर्टिलाइजर का काम करते हैं, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन का या केमिकल स्प्रे या बाकी जो ऑर्चर्ड मैनेजमेंट का काम करते हैं वो कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जो श्री अमरनाथ जी यात्रा है वो एज ऑफ नाउ नॉर्मली चल रहा है और स्मूथली चल रहा है, और जब भी इस टाइप का इंक्लीमेंट वेदर होगा तो वेल इन एडवांस हम नाउ कास्ट या जो हमारा 12 आवर्स फोरकास्ट है उसमें हम वेल इन टाइम इंटीमेट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब वक्त देने के लिए। ये हमारे साथ तो मौजूद है महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार साहब, और कहा है कि जो लोग पैनिक हो चुके हैं पैनिक होने की कोई भी जरूरत नहीं है, हालांकि जो लोग हिली एरियाज में रहते हैं उनको थोड़ा एहतियातन चलने की कोशिश करनी चाहिए, तब जाके कोई जानी नुकसान ना हो पाएगा। और आपको बताया कि पेशगोई की गई है कि 3 दिन में वादी कश्मीर के कहीं एक इलाकों में हल्की हल्की से लेकर तेज बारिशें भी कहीं एक इलाकों में होगी, और जम्मू अजला में तेज बारिशें भी हो सकती है, जिसके चलते बादल फटने और बादल फटने के साथ साथ लैंडस्लाइडिंग भी किसी एक इलाकों में हो सकती है। लोगों को एहतियात करने की काफी ज्यादा जरूरत है। हालांकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर ने पहले ही एडवाइजरी सामने लाई है, लोगों को चाहिए कि वो एहतियाती तौर पर इन 3 दिनों में रह सकते हैं, और कहा जा रहा है कि इन 3 दिनों में थोड़ा राहत लोगों को मिल सकती है गर्मी से, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से लोगों को गर्मी और भी 7 तारीख से बढ़ सकती है। कैमरामैन समीर वानी के साथ मैं आकिब डार, श्रीनगर कश्मीर। इतना लंबा तो आजकल मुंह ही नहीं होता यार, तुम इतना लंबा क्यों? अभी देखो बारिश बारिश हो रहा है, बढ़िया बारिश हो रहा है।